एवरी वन इज अनुज कुमार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनु जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमपेड एंट्रेंस पेपर टू थाउजेंड सेवेंटीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस पेपर को मैं पार्ट टू में सॉल्व कराने वाला हूँ आज मैं डिस्कस करूँगा ओनली पार्ट वन पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस पेपर को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ हर क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन पर मैं डिस्कस करूंगा लगभग तीस मिनट में दो सौ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं अब हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर वन पर चलते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है एवर फॉरवर्ड इज द मोटो ऑफ मीन्स एवर फॉरवर्ड किसका आदर्श वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है एशियन गेम्स का एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं शुरुआत हुई थी उन्नीस में कहाँ पर हुई थी न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई 1930 में कहाँ पर हुई कनाडा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सामने एफ्रो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2003 कहां पर हुई थी हैदराबाद में यह भी क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक गेम्स एशियन की अगर हम बात कर सॉरी प्राचीन ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो सात सौ छिहत्तर बी सी मॉडर्न ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं एट्टीन नाइन्टी सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एक ऑप्शन पर मैं डिस्कस करूंगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर द ट्रम मूवमेंट बिगन फॉर्म ट्रमैन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ यह क्वेश्चन पूछा जाता है यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जर्मन से टर्मन जो मूवमेंट था उस मूवमेंट की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी फेडरिक लुडविक जॉन फेडरिक लुडविक जॉन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन करती है आंसर टू ह्यूमन बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन बिहेवियर इज कॉल्ड व्यवहार का प्रगतिशील विकास कहलाता है आंसर वन लर्निंग आप व्यवहार से जो सीखते हैं वो है लर्निंग मेचोरिटी जो है अपने आप आती है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मैं बाय सेल्डन मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्डन ने सोमरोटाइप दिए थे जो बॉडी पर्सनलिटी दी थी उनमें से कौन सा नहीं है यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्टोमोर्फ मीसोमोर्प एंडोमोर्फ ये तीनों टाइप की जो पर्सनैलिटी है ये शेल्डन ने दी थी इसमें से एक पर्सनालिटी है ओम ये नहीं दी Answer, number, theory, है, ने दी थी आंसर वन क्वेश्चन नंबर सिक्स कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी वाज पर फॉरवर्ड बाय कंडीशन रेस्पॉन्स जो थ्योरी है वो किसने दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टू पावले कंडीशन रेस्पॉन्स जो थ्योरी थी वो किस पर आधारित थी वो डॉग पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पावल कहाँ के रहने वाले थे रसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ लॉ ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ लर्निंग का एक इसमें से कंपोनेंट नहीं है यह क्वेश्चन पूछा जाता है से कौन सा सीखने का नियम नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट ये तीनों जो हैं ये आपके लॉ ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आते हैं और एक जो है ऑब्सन में लॉ ऑफ रिएक्शन ये इसके अंतर्गत नहीं आता है आंसर थ्री लॉ ऑफ रिएक्शन तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ लर्निंग कितने थ्री कौन कौन से रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एट इन ओलंपिक मोटो फोर्टियस मीन्स ओलंपिक का मोटो है सी टी एस अल्टी एस फोर्टियस तो यहाँ पर पूछ रहा है फोर्टियस का अर्थ क्या होता है आंसर थ्री स्ट्रोंगर हिंदी में बोलते हैं शक्तिशाली फोर्टियस जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन एलवलाय इज अ पार्ट ऑफ एलव किसका पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन मसल्स कॉन्टैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इज नोन एज पेशी संकुचित तो होती है परंतु कोई गति नहीं होती उस मूवमेंट को उस एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक जो है इसमें दे रखा है आइसोटोनिक इसका एग्जाम्पल है वेट ट्रेनिंग यह भी आपको याद रखना है यह भी एग्जाम में आता है आइसोकाइनेटिक मींस मशीन के द्वारा हम जो भी वर्कआउट करते हैं वो आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आता है आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक इजिकल टू आइसो कैनेटिक ये दोनों मिलकर आइसो कैनेटिक बनाती हैं आइसोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर इलेवन प्लोटो इज रेफर्ड टू एज दी फादर ऑफ मीन्स प्लोटो जो हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया वो किसके फादर माने जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर वन एडलिज्म एडलिज्म के फादर पिता या खोज किसने की तो आपको सोच समझ के आंसर लगाना है प्लोटो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रैगमेटिज्म इसको हम बोलते हैं जॉन डेवी नेचुरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रूसो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तेज गति दौड़ में मुख्य कारक क्या होता है एक स्प्रिंटर जब तेज भागता है उसका मुख्य कारण क्या है टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर दीज आर टू टाइप्स रेड मसल्स फाइबर वाइट मसल्स फाइबर रेड जो होता है स्लो होता है इसको बोलते हैं स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं फास्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है क्या कहते हैं उसको उसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं की पॉइंट पर जाना आइसोटोन निक मींस डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन आंसर वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूड इन हेप्टाथल हैप्टाथेलैन में कौन सा इवेंट नहीं आता है आंसर फोर डिस्कस थ्रो हैप्टाथल में कितने इवेंट्स आते हैं सात इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले निम्न में से कौन खेल में स्पर्धा के समय टाइम आउट का प्रावधान नहीं है आंसर टू फुटबॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है कि किस में टाइम आउट दिया जाता है नहीं दिया जाता है आंसर टू फुटबॉल वॉलीबॉल की हम बात करते हैं मेजरमेंट पर एटीन इंटू नाइनटीन बास्केटबॉल की अगर हम बात करते हैं ट्वेंटी एट इंटू फिफ्टीन इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं सिक्स सॉरी फाइव बास्केटबॉल में फाइव प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में सिक्स हैंडबॉल में सेवन फुटबॉल में ग्यारह इस टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है एक भी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज न्यूटन का गति का दूसरा नियम का नाम क्या है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर टू लॉ ऑफ एक्सलेसन उसको हम बोलते हैं थोड़ा का नियम जो तरण का नियम है उसको हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उस नाम से भी जानते हैं उसको क्वेश्चन नंबर एटीन कापोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टेबल कॉलम कापोसिस जो डिफॉर्मिटी जो होती है वो कहाँ पर होती है इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में थोरेसिक रीजन थोरेसिक्स में कितनी बोन होती हैं ये पूछता है ट्वेल्व बोन सर्वाइकल में कितनी होती हैं सात लुम्बर में कितनी होती हैं पाँच कॉक्ज में कितनी होती हैं चार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टर्म एफरेज इज कंसर्ट विद मीन्स एफरेज जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है किसके अंतर्गत आता है वो है मसाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टडी मीटर इज यूज टू मेजर में जो मीटर है उससे आप क्या मेजर करते हैं तो उससे हाइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कोलर थ्योरी ऑफ लर्निंग डील विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्वेंटी वन इंसाइट लर्निंग थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एंटीरियर पोस्टीरियर एक्स इज ऑल्सो नोन एज आंसर टू सजैटल एक्सिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड प्रेशर बार का निम्न में, में से कौन सा कारक नहीं समझा जाता है इंटेंसिटी डेंसिटी वॉल्यूम ये सारे स्पोर्ट ट्रेनिंग के पार्ट हैं इसमें से जो डाइट है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन ट्रेनिंग प्रोटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज में से किस प्रश्न में आराम की अधिकारी अवधि का प्रयोग किया जाता है आंसर फोर रिपीटेशन ट्रेनिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स दो मद्यों की तुलना के लिए प्रयोग प्रोक जाने वाला सार्थक विधि कौन सी है उसको हम बोलते हैं टी टेस्ट आंसर टू दो से अधिक की अगर बात चलती है एफ टेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन को मैच करना है बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट लंग टेस्ट है बैडमिंटन का हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो हरभजन सिंह टेस्ट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करते हो फ्लैशमैन बैटरी टेस्ट है वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं तो लॉकर एम सी पर्सन टेस्ट है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं आंसर फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन यह भी क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है ये मैच करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोगों को सबसे फायदा यह होता है कि लगभग कई सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं हेमस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो है थाई ग्लूटियस की अगर हम बात करते हैं तो वो हिप लेटेस्टमेट डोट्स की अगर हम बात करते हैं तो बैक गेस्टमस मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो कहा ये मसल्स नेम है वो पूछ रहा है ये कहाँ पर देखने को मिलती है किस बॉडी के पार्ट में देखने को मिलती है तो इसका जो आंसर है ट्वेंटी सेवन का आप लगा सकते हैं आंसर थ्री मिलान करने के बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसमें भी क्या करना है मैच करना है रियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जॉन डेवी आर्टिज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्लोटो नेच की बात करते हैं रूसो चार क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए और इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें भी क्या करना है आपको मैच करना है फ्लेटफुट जो है पेडोग्राफ को मेजर करता है क्रॉस पेपर टेस्ट जो है मिनियम मस्कुलर स्ट्रेंथ शॉकर स्किल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं एमसी डोनाल्ड जॉनसन स्किल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बास्केटबॉल टेस्ट ये भी एक टेस्ट है अब इन चारों टेस्टों में से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें क्या करना है आपको इसमें भी क्वेश्चन को मिलान करना है हिंजोट की अगर हम बात करते हैं तो हिंजोट कहाँ पर देखने को मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो आपके नी में देखने को मिलेगा शेडल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थंब में मिलेगा बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट की अगर बात करते हैं शोल्डर में मिलेगा और पेल्विक ग्रेड में मिलेगा पिवोट जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक में देखने को मिलता है ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये जॉइंट है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विनिंग फेनामोन इन स्पोर्ट्स डिपेंड ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स इन following sequence यह questions जो है डाउट करने वाला है बी एच यू कुछ मानती है आंसर को और जो वनडे एग्जाम होते हैं वो कुछ अलग मानते हैं तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बी एच यू टेक्निक स्किल स्ट्रेटजी टैक्टिक्स इन्होंने आंसर माना है सेकेंड तो जितनी भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपना अलग अलग मानती हैं तो मैं आपको एक और चीज़ में बताना चाहूँगा कोई जो मानता है जो अदर यूनिवर्सिटी के हम बारे में डिस्कस करें तो वो स्किल टेक्निक स्ट्रेटजी टैक्टिक्स इसको मानते हैं अकॉर्डिंग टू बी एच यू आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा रोल होता है फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले हम किसी भी खिलाड़ी को हम सिखाते हैं तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं उसके बाद प्रैक्टिस उसके बाद हम करेक्शन उसके बाद एवेलेशन आंसर फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑगर ड्यू अकोलाइजेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मींस लैक्टिक एसिड जमा होने से निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा होती है आंसर टू फटी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है आंसर टू रेक्टस फेमोरिस अब चारों मसल्स पे हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट मॉट सी बैक बाइसेप्स आपके बाजू में क्वाडीसेप्स आपके थाई में क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सार्जेंट जंप मेजर सार्जेंट जंप किस चीज को मेजर करती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आंसर वन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स मोस्ट रिलाईबल मेजर ऑफ वेरिबिलिटी आंसर टू स्टैंडर्ड एवियशन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नंबर ऑफ मैच इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉक आउट टूर्नामेंट ऑफ ट्वेंटी थ्री टीम विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री टीम्स का में नॉकआउट सिंगल नॉकआउट टीम प्रथम चक्र में मैचों की संख्या को निकालना है तो आप सब लोग जानते हैं ट्वेंटी थ्री जो है वो लगभग बत्तीस के एवरेज में आता है बत्तीस में से आप तेईस घटाएंगे कितना बचेगा नौ बचेंगे नौ को आप तेईस में से घटाते हैं चौदह और चौदह का आप हाफ करेंगे तो सात सात हो जाएगा तो इसमें सेवन आंसर है है आंसर वन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कैलोरी इज अ मेजरमेंट यूनिट कैलोरी क्या मापने की इकाई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टू हीट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन परपज ऑफ टेस्ट इज मेजर थ्रो का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है आंसर टू वैलिडिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ कॉपिशेंट ऑफ कोरेशन रेंज बिटवीन उसकी वैल्यू कितनी है माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में होती है आंसर फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन मोड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट्स इज कंसिडर्ड एज आंसर टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्राप्तांक आना क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इंसुलिन सीक्रेट बाय इंसुलिन का श्रावण जो होता है सीक्रेशन जो होता है वो कहाँ से होता है आंसर थ्री पेन क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर फोर आ स्कोर टू बिच एन ऑफ टेन स्कोर इज कम्पलीट कंपेर इज मींस वह स्कोर जिसके साथ उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाती है आंसर टू नॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मानव शरीर की हड्डियाँ जो किसके आधार पर वर्गीकृत की गई हैं आंसर थ्री साइज एंड शेप क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट मैनेजमेंट स्पोर्ट मैनेजमेंट का पहला स्टेप कौन सा है सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन जो है कहाँ देखने को मिलता है आरबीसी क्वेश्चन नंबर एरिया इन विच द स्पोर्ट मैनेजमेंट मस्ट नॉट परफॉर्मेंस इज referred टू एस क्षेत्र जिसमें खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्यता कहते हैं इनोवेशन इन स्पोर्ट्स आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम किस संस्थान स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचलित किया था आंसर थ्री एच बी पी एम हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल कब शुरुआत हुई 1914 सौ चौदह शुरुआत कब हुई 1920 सौ बीस ग्वालियर आई की शुरुआत कब हुई उन्नीस और बी की शुरुआत कब हुई 1916 सौ फिजिकल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो उन्नीस ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं पार्ट टू के साथ थैंक यू वेरी मच